सो ये देखिए गाइज, यही वो पेड़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप कभी भी सर्च करोगे ना तो मैंगो करके, तो आपको ये पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें इसी तरह से आम लटक रहे होंगे, बिल्कुल पर्पल कलर का, और ये बिल्कुल सेम क्वालिटी मुझे दिख रही है। मालूम नहीं आंटी के यहाँ ये कैसे है, आंटी बताएंगी अच्छे से कि ये प्लांट किसने लगाया था और ये क्या शुरू से ऐसे ही है। और हमारे वहाँ तो इस तरह से एक सिंदूरी आम भी होता है, मगर ये सिंदूरी नहीं है, बिल्कुल पर्पल कलर का है। सिंदूरी में थोड़ा रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, मगर ये बिल्कुल पर्पल कलर का है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? व्लॉग नहीं, इसको वीडियो बोलेंगे। मैं खड़ी हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ आपको मैं कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ, और ये आंटी बड़ी क्यूट सी प्यारी सी हैं। इन्होंने मुझे मतलब परमिशन दी है कि मैं ये वीडियो बना सकती हूँ। इनका घर मुझे, मैंने कई बार बाहर से देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एक ऐसा आम का पेड़ है जिसको टोमैंगो कहते हैं, जो बिल्कुल पर्पल कलर का है। 1.5 लाख रुपीज़ में आपको ये आम पर केजी पड़ता है, बट इनके वहाँ मैंने देखा सेम क्वालिटी दिख रही है। अब मैं नहीं जानती हूँ कि ये वही आम का पेड़ है या फिर डिफरेंट है। ये जबलपुर में लोगों ने बोला है कि एक ही पेड़ है, बट मैंने यहाँ देखा कुछ ऐसा ही डिफरेंट, तो मैं अब आपको वो पेड़ दिखाना चाहती हूँ। सो ये देखिए गाइज, यही वो पेड़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप कभी भी सर्च करोगे ना तो मैंगो करके, तो आपको ये पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें इसी तरह से आम लटक रहे होंगे, बिल्कुल पर्पल कलर का, और ये बिल्कुल सेम क्वालिटी मुझे दिख रही है। मालूम नहीं आंटी के यहाँ ये कैसे है, आंटी बताएंगी अच्छे से कि ये प्लांट किसने लगाया था और ये क्या शुरू से ऐसे ही है। और हमारे वहाँ तो इस तरह से एक सिंदूरी आम भी होता है, मगर ये सिंदूरी नहीं है, बिल्कुल पर्पल कलर का है। सिंदूरी में थोड़ा रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, मगर ये बिल्कुल पर्पल कलर का है। बाप रे आंटी, आपके पेड़ में तो बहुत बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। हाँ आंटी लोग हंसने लगी देखकर, मैं तो डर ही गई। गाइस ये देखिए कितना बड़ा छत्ता लगा हुआ है, और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इट्स वेरी बिग, ओ माय गॉड। ये प्लांट कौन लगाया था? ये आम का पेड़ कब से है आपके वहाँ? पंद्रह साल। तो ये ऐसे ही होता है, इसी कलर का हमेशा? मैं तो जब जाती थी तो इधर से देखती थी, मैं सोचती थी एक दिन जाऊंगी आंटी के घर, पूछूंगी कि मैं क्या इसकी वीडियो बना सकती हूँ। और इसका टेस्ट नॉर्मल आम की तरह से रहता है, अलग है, ज्यादा अलग है। हो सकता है ये वही आम हो, क्योंकि मैं आपको एकदम आम से अलग टेस्ट आता है। आम जितने आम है, हाँ पूरे आम से अलग। अच्छा, ये कभी भी? अच्छा, तो ये नाम नहीं आप लोगों को पता है कि ये कौन सा आम है? अल्फांसो। अच्छा, आंटी बोल रही है इसका नाम अल्फांसो है, मुझे तो ये वही लग रहा है। तो आपको शायद आंटी पता नहीं होगा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ नेट पे सर्च करके। एक टोमैंगो करके आ रहा है चाइनीज आम, जो कि लोग लगा रहे हैं 1.5 लाख रुपीज केजी। मतलब अब तो कई जगह तो और 2-2 लाख रुपए किलो के हिसाब से मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ, मगर अभी मुझे तो उस सच। अच्छा, आपके वहाँ एक और प्लांट आके रखा हुआ है, यानी एक और लगाना है आपको आप लोग काफी मतलब प्लांट लवर लग रहे हो। गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ आंटी ने कितने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। इतना खूबसूरत है ना इनका गार्डन कि मतलब सच में मैं जब भी इधर से जाती थी, मेरा मन यही करता था मैं चली जाऊँ अंदर और जा करके एक वीडियो बना लूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मैंने वीडियो बना ली, आप तक पहुँच जाएगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटते रहिए, एंड बाय बाय।